बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर आए हैं एशिया के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में। ओम प्रकाश केसरवानी जी, कहाँ से आए हैं? सतना जी। आप बताएं कि सदर बाजार में आए हैं, यहाँ की स्थिति को देखकर कैसा लग रहा है? आप समझिए कि मैं सतना में रह के बहुत खुश हूँ और सतना जैसे राजधानी दिल्ली में आके इतनी गंदगी, सबसे ज़्यादा व्यापारी टैक्स दे रहा है, इसके बाद सबसे ज़्यादा वो कूड़ेदान की तरह रह रहा है, पूरी दिल्ली गंदी है, कहीं भी साफ सफाई करने का पता नहीं, या प्रशासन को टाइम नहीं मिलता या इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे ज़्यादा पूरा दिल्ली में सबसे ज़्यादा इस एरिया से टैक्स जाता होगा गवर्नमेंट को। सदर बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए आप आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसा माहौल लगता है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर जो भीड़ भाड़ या बद इंतजामी है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हर टाइम खतरे में अपन रहते हैं, हर टाइम अपना जेब देखते रहते हैं, हर टाइम अपनी बैग देखते रहते हैं, और हर टाइम ये रहता है कि कहीं कोरोना खा ना जाए। इतनी भीड़ भाड़ और भीड़ भाड़ के साथ इतनी गंदगी, इससे अच्छा तो हमारा सतना है, पूरा साफ रहता सतना, जितनी गंदगी इतनी है, हम सोच रहे हैं राजधानी है, साफ होगी। जगह जगह पटरी लगी हुई है, सड़क जो चलने के लिए थी उस पर बाजार सजे हुए हैं, तो सदर की तो रौनक बाजार से है, लेकिन क्या ऐसी बाजार जहाँ चलने के लिए भी लोग मोहताज हो जाएं? देखिए, सदर बाज़ार में प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह ठप है, कोई भी सरकार, कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी सदर बाज़ार में काम करना नहीं चाहता। फेडरेशन सदर बाज़ार 40,000 दुकानदारों की एक पेरेंटल बॉडी है, जिसकी 83 संस्थाएं हैं, और सदर बाज़ार की इतनी बुरी हालत क्यों है? व्यापारी आपका है, आप व्यापारी, हम तो एक बात कहते हैं, आपका भी स्लोगन है कि सरकार भी हमारी है और हम भी सरकार के हैं, फिर समस्या का समाधान क्यों नहीं? आखिर कहाँ कमी है, इसका एक एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। और इस मामले में फेडरेशन सदर बाज़ार जल्दी ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो आए हैं भी उनसे मिलेगी और उनसे वास्तविक स्थिति से अवलोकन कराएगी। देखिए, हम कहते हैं कि हम जो हैं वो बिना वर्दी के पुलिस वाले हैं, आप हमारा यूज़ कीजिए लेकिन मिस यूज़ नहीं कीजिए। आप व्यापारी, दिवाली का पीरियड है, व्यापारी अपना व्यापार करेगा या रोड पर खड़े होकर ड्यूटी देगा? हम लोग वॉलंटियर दे सकते हैं, लेकिन सरकार के पास दिल्ली आर्म फोर्सेज हैं, पूर्ववर्ती DCP ने, कमिश्नर ने, जॉइंट कमिश्नर ने सदर बाज़ार को दिवाली के टाइम पर एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड की है, चाहे वो दिल्ली आर्म फोर्स की हो या RAF की हो, बहुत सारी फोर्सेज हैं जो अपने बैरिक में जब आती हैं, जब दंगे हो जाते हैं तो वो आती है यहाँ पर। ये तो हमारी रोजी रोटी का सवाल है, DCP साहब को, दोनों DC ट्रैफिक को और नॉर्थ के DCP साहब को फोर्स मांगनी चाहिए और यहाँ की नाकाबंदी ऐसे करनी चाहिए कि ना तो दुकानदार एनक्रोचमेंट करे, ना पटरी वाला करे, सफाई सुबह 5 बजे हो जाए, सफाई रहे ताकि ग्राहक आए, आराम से परचेजिंग करे। और सतना जैसे व्यापारी लोग कहते हैं कि नर्क में आ गए, तो वो ये कहें कि दिल्ली स्वर्ग है, सदर बाज़ार एक वितरण का क्षेत्र है, हम ये चाहते हैं, और हम ये DCP नॉर्थ से और DCP ट्रैफिक से अगर ये मांग रहे हैं और प्रशासन से मांग रहे हैं तो हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं। अपना नाम बताएं पहले। कपिल सहाने। ये आपका ट्रेड किस चीज का है? डिस्पोजेबल का होता है, अपना ट्रेडिंग का जी। एक युवा व्यापारी हैं आप? जी जी। और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी जी की भी कई सारी योजनाएं हैं जी, जी। उन योजनाओं और जब बाजार में आप उतरते हैं तो व्यवहारिक रूप में आपको कितना फर्क दिखाई दे रहा है, इस पर बताएं। बाजार में और जो सरकार कहती है उसके अंदर बातों में, पेपर वर्क में जो, उसमें बहुत फर्क है चीज़ों में। आप मार्केट में खुद ही देखेंगे, सबसे पहले तो साफ सफाई है, जो यहाँ पे दिल्ली में MCD के अंदर BJP है लगभग 20 सालों से, साफ़ सफाई की बुरी हालत है, चाहे पार्किंग हो चाहे कुछ हो, मना कस्टमर के लिए पार्किंग है अच्छी, हर जगह पे पार्किंग, मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनती जा रही है, यहाँ पे कोई नहीं देखा जा रहा, जगह है उसको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, ठेकेदारों को कुछ को दे के कर आगे चीज़ों को, चीज़ को वेस्ट किया जा रहा है सिर्फ, लेकिन यूज़ नहीं किया जा रहा जगह को, ना साफ़ सफाई रखी जा रही है, व्यापारी के लिए कोई और अच्छा काम नहीं किया जा रहा, उसको सुविधाएँ दी जाएँ, कोई टैक्स अच्छा देता है कुछ, उसको कहते जाते हैं सिर्फ जी वो दे नहीं रहा, चोर हम यहाँ पे देखेंगे नहीं जी, सब कुछ मिल रहा है। वोकल फॉर लोकल को लेकर के अगर बात करें, कि बैंकिंग सेक्टर की बात करें या टैक्सेशन की बात करें, सरकार की पॉलिसी की बात करें, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? सर, सरकार की पॉलिसी पूरा संतुष्ट है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, जब चीज़ों के अंदर अलग अलग मार्केट से अलग अलग चीज़ों से फ़र्क आ जाता है, उसके अंदर फ़र्क है। जो कस्टमर दिल्ली आना चाहता है उसको उसकी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जो यहाँ पर आएगा, राजधानी के अंदर आएगा उसको 4 पैसे बचने चाहिए,
वो गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसीज के अंदर डिफरेंसेस आ चुके हैं जो नहीं बच पा रहे उसको। यहाँ की जो बद इंतजामी है अगर करोड़ बाग की बात यहाँ बिल्कुल बाजार की जी जी तो उसको जिम्मेवार किसे मानते हैं, प्रशासन को या फिर यहाँ के लोगों? नहीं, प्रशासन तो सर सबसे पहले है ही है, उसके बाद लोग भी ज़रूर हैं उसके जिम्मेवार। ये नहीं हम कहेंगे कि पूरा प्रशासन ही जिम्मेवार है, लेकिन सबसे पहले हो प्रशासन सख्ती से अगर उस पर काम करे। पटरी आप देखेंगे पैर रखने की जगह नहीं, पैसे खाने का काम इतना, घूसखोरी का इतना ज़्यादा काम है कि पैर रखने की जगह पटरी बाजार इतना ज़्यादा लगा हुआ है व्यापारी काम नहीं कर पाता। जो दुकानों पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, दुकानदार जो हर तरह का टैक्स पे करता है, बिजली का बिल भरता है, सब कुछ भरता है, उसके लिए वो सुविधा नहीं होती। वो उसके अंदर 500 रुपये दे दीजिए, 2000 रुपये दे दीजिए, पुलिस वाला कोई है जो ले जाता है, और उसके लिए व्यापारी परेशान होता है उससे हर चीज़ों से। लेकर देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस प्रकार आप लगातार देख रहे हैं जाम की प्रॉब्लम के लिए फेडरेशन हमेशा आवाज़ उठा रही है, DCP, ACP, TI और भी अफसरों से बातचीत कर रही है, यहाँ तक के हमने दिल्ली के उपराज्यपाल और जो यहाँ के हमारे संसद सदस्य हैं उनको भी इस बारे में जो बताया है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, मगर अभी तक कोई हल नज़र होता दिख नहीं रहा। और जिस प्रकार त्यौहार पास में आते जा रहे हैं प्रॉब्लम भी उतनी बढ़ती जा रही हैं, जाम घंटों लगा रहता है, दो दो तीन तीन घंटे का जाम होता है, वो भी आके लोगों को खुलवाना पड़ता है, पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है कहीं नज़र नहीं आती। उस समय जो दिवाली का, नवरात्रों का और भी त्यौहारों का सीजन आ रहा है, जब आपको पता होता है यहाँ पर रश होगा, इस समय यहाँ पर रश होने वाला है, तो आप स्पेशल फोर्स भेजते हो ना वहाँ पर? यहाँ रैली है नेताओं की, तो आप फोर्स भेज देते हो ना? क्या नेताओं की रैली में आपकी फोर्स लग सकती है? क्या नेताओं की सेफ्टी के लिए आपकी फोर्स लग सकती है? आम जनता ने क्या कसूर किया है? आम जनता ने इस प्रकार टैक्स देने के बाद भी उसको कोई सहूलत नहीं है? बीमार पड़ा हो, कोई किसी प्रकार का पड़ा हो, आप उसके लिए कोई सू लेने नहीं आते? आप जब वोटे की बात आती है तो व्यापारियों की बात करते हैं, और जब आम बंदे की बात आती है आप व्यापारी को देख के खुश नहीं होते? ये कब तक चलेगा? व्यापारी अब चुप नहीं बैठेगा। व्यापारी को अगर ज्यादा बात होगी, वैसे भी कोरोना काल में हमने 3-3 महीने दुकानें बंद रखी है, अब भी दुकानें बंद करनी पड़ेगी, कर देगा, मगर इस प्रकार हम मर मर के नहीं जी सकते। ना तो हमारा काम है, ना हम लेबर के पैसे दे पा रहे हैं, ना किसी प्रकार का हम अपने कर्जे उतार पा रहे हैं। वहां पर बिजली डिपार्टमेंट का ऊपर से आ जाता है, लोन वालों का दबाव आ जाता है, कभी लेबर वालों का दबाव आ जाता है, कहां कहां व्यापारी मरेगा? क्या सरकार की ओर से कोई मदद है व्यापारी को? क्या सरकार की तरफ से सहूलत है? अगर आपका GST लेट हो जाए या कुछ हो जाए तो आपके ऊपर कार्रवाई है, लाखों ठगों रुपए लेके लोग बाहर भाग रहे हैं, उनके ऊपर नहीं है। व्यापारी को इन्होंने इस प्रकार बना के रख दिया है कि व्यापारी वो गाय हैं जो लाठी खा खा के इनको दूध भी दिए जाती है और फिर भी चुप रहती है, मगर इन्होंने दूसरा रूप नहीं देखा, वो गाय का जब दूसरा रूप देख लेंगे, माँ वाला रूप देख लेंगे, हमारी जो माँ है भारत माँ है, हम उसके बच्चे हैं, जब हम आंदोलन पे आए व्यापारी तो ये समझ लो देश की अर्थव्यवस्था पूरी ठप कर देंगे।